बहुत बड़ा फैन हूँ उनका काम का। ऋषभ का तो अभी देखा, टैलेंट लोग शॉक हो गए, सब लोग पूरा 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 कंट्री शॉक, चिपके से आए फाड़ के चले गए। अगर कोई अच्छा काम होता है ना तो ये जेलेसी भी होता है। सेम हमारे जैसे एक मिडिल क्लास लोग का जो बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कुछ इंडस्ट्री में आगे कुछ करना है तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। सीनियर है हमारा, बस सेम जर्नी है। फाइनली भाई एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जिसका इंतजार हर कोई इंसान कर रहा होगा, बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने एक्टिंग की एक नई परिभाषा दी और इस वक्त जो हर किसी के दिल में राज कर रहे हैं मिस्टर ऋषभ शेट्टी आपस में मिले। एंड भाई नवाज ने जो तारीफें की हैं ऋषभ शेट्टी की, वो शायद ऋषभ शेट्टी साहब ने भी नहीं सोची होगी कि नवाज उनके फैन मिलेंगे, क्योंकि जब ये दोनों पहली बार मिले थे इसी इवेंट में, जहां पर ऋषभ शेट्टी ने पहले ऐसे बोला कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। एंड दिस इज द थिंग, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर हैं जो फैन है साउथ वालों, लेकिन मुंह खोल के बोलते नहीं, लेकिन ऋषभ शेट्टी जिन्होंने आगे से बोल दिया कि यार सर मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हूं, आपके काम को बहुत एडमायर किया है। और दोनों की कहानी भी एक सी, साधारण से परिवार से आकर रूल करना, और वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बहुत प्यारी बात की, उनका कहना था कि भाई बॉलीवुड घबराया हुआ है, डरा हुआ है, और जल्दी से वो आपको एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि भाई आप चुपचाप से आए बिना कोई मार्केटिंग करे और सबकी फाड़ दिया आपने, लिटरली जिसको बोलते हैं ना कि फाड़ना, वो कर दिया आपने। इसलिए भाई ये लोग थोड़ा सा ऐसा जलते वलते हैं, और मैं खुद जलता हूँ, उन्होंने बताया कि भाई मैं खुद जलता हूँ काम को देख के कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी राइटिंग में परफेक्ट, एक्शन में परफेक्ट, एक्टिंग में परफेक्ट, डायरेक्शन में परफेक्ट, तो यार लगता तो है देखो बुरा, लेकिन अच्छा भी लगता है कि हमारे जैसा कोई भाई बंधु बिना किसी बैकग्राउंड से आकर इतना कुछ करते। बगजनता आपकी क्या राय है, हो जाए इन दोनों की मूवी एक साथ, क्या बोलते हो? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। बाकी आपसे मिलता हूँ, चल तब तक आप सभी को अलविदा।